करेंगे सुर के बारे में। सो बहुत सारे जन को मालूम नहीं होता है कि सुर कम लगना या फिर गाना सुर में नहीं आना उसका मतलब क्या होता है। सो सुर बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ऑप्टिमम लेवल पे वाइब्रेट होते रहती है, उसका एक फ्रीक्वेंसी का एक हर्ट्ज पे वो वाइब्रेट होते रहता है। और अगर आपका आवाज वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं वाइब्रेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि आपका गाना सुर में नहीं लग रहा है। जैसे कि सा एक स्वर है, नी एक स्वर है और ध एक स्वर या सुर है। ओके, हर एक का तीनों का फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होता है और हमें कोशिश करना होता है कि वो फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वो भी मैच करे। ये जो कला है या फिर ये जो एक कौशल्य है ये प्रैक्टिस से, रियाज से, साधना से आती है और इसके लिए वक्त लगता है। सो सुर की पहचान या फिर सुर का अभ्यास कैसे किया जाए इसके लिए आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। कि सबसे पहला तो आपको एक छोटे कीबोर्ड या हारमोनियम या एक मिडी कीबोर्ड में आपको एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं लिंक नीचे दूंगा। आजकल बाजार में बहुत ही सस्ते 1000 रुपये के नीचे वाले भी कीबोर्ड्स आए हुए हैं, आपको वो खरीदी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सुर का ज्ञान नहीं है। सा ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ये सा है, ये आपको मालूम नहीं है। इसके लिए आपको कुछ तो रेफरेंस साथ में लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है या फिर हारमोनियम लेना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही कीबोर्ड लेते हैं आप उसमें आपका सुर मैच करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर अभ्यास करना चालू करेंगे हफ्ते दो हफ्ते में आपके आवाज में फर्क आना चालू हो जाएगा, आपके आवाज की मिठास बढ़ना चालू हो जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें दो चीज करना है, एक तो आपको एक कीबोर्ड लेना होगा जिससे आपको रियाज में काम आ जाए और दूसरा यानी आपको उसके साथ गाना होगा एक सवाल मन में उठेगा आपके कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे कीबोर्ड पे सा कौन सा है, रे कौन सा है, ग कौन सा है। सो उसके लिए हमें दूसरा काम करना है, हमें छोटे छोटे स्टिकर्स बनाने हैं। और मेरा जैसा ही अभी मैं कैमरा जूम करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा सा कौन सा है, रे कौन सा है, ग कौन सा है, वो हिसाब से आपको मार्किंग करना है। तो याद रखिए ये आपका जो काले दो बटन है उसके नीचे वाला जो की है उसको सफेद एक बोलते हैं शास्त्रीय संगीत में, वो आपका सा है। ओके, ये हो गया आपका सा, ये हो गया। उसके बाजू वाला बटन नी, उसके बाजू वाला ध, उसके बाजू वाला प, उसके बाजू वाला म, उसके बाजू वाला ग, उसके बाजू वाला रे और फिर से सा। ओके, ऊपर आता है फिर से सा रे ग म प ध नी सा। ओके, फिर से याद रखिए ये जो काले दो बटन है, जो पहली काली बटन है उसके नीचे वाला जो की है उसे हम सफेद एक बोलते हैं और आज के लिए ये हमारा सा है। आज के लिए बस इतना ही। कीप डूइंग म्यूजिक। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहाँ पर आप मुझे कोई भी सवाल बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। मेरा नाम ओजस जोशी है और मैं एक शास्त्रीय संगीतकार हूँ और पिछले 15-20 सालों से मैं परफॉर्म करते आया हूँ। भारत और अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे मैंने परफॉर्म किया है। मेरे बाकी के गाने मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है, आप देख सकते हैं। और कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी शंका हो म्यूज़िक के बारे में बेहिचक मुझे पूछे। कीप डूइंग म्यूज़िक।